हम एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और हमें बार बार रोके जा रहा है। हमें ये बताएं हमें किस बेस पे रोके जा रहा है, कौन से कानून में लिखा है? हम अपनी मांगे पूरी नहीं कर सकते क्या? हम अपना हक नहीं मार सकते क्या? ये भी लोग हैं जो रैपर खेल के तहत ही अपना सर्विस दे रहे थे, 3,000 रुपए महीना, काफी वक्त हो गया है, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई? नहीं सर, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 2 साल होने को आ गए हैं और हमें ना ही कोई सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिले हैं, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। आश्वासनों से हमारा अब घर चलना बंद हो गया है। पहले शायद चल जाता क्योंकि सेविंग्स थी, वो हमने खर्च कर लिए हैं, बट अब हमारा 100 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है। मतलब आप लोग उसके अलावा क्या करते हैं, किस तरह से अपना जो गुजर बत्तर कैसे निकालते हैं? सर, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते, पहला रूल। दूसरा रूल, स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है ना सर, सॉरी टू से, बट अगर आप घर से पैसे देते हो ना तब भी बच्चा खेलने लाना बहुत मुश्किल है इस सोसाइटी में, ठीक है? क्योंकि सबको पता है ये हालत हो रही है स्पोर्ट्स पर्सन की, ठीक? और आप सोचेंगे प्राइवेट बिजनेस के लिए आप अगर कोई सेंटर भी खोल देना, वहाँ कोई नहीं आएगा पैसे देके खेलने के लिए। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे नहीं जा पा रहे हैं, हम बस हाथ जोड़ के विनती ही कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर हम प्राइवेट जॉब्स नहीं कर सकते। और प्राइवेट जॉब करने का जो टाइमिंग होता है 8 से लेकर 4 बजे तक होता है और उस टाइम पे हम अपनी सर्विसेज स्कूल में देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास प्राइवेट जॉब करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। हम बताओ जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे कहाँ, खाए तो खाए क्या जो बिना पैसों के मिलता हो। तो ये तमाम लोग यहाँ से गवर्नर हाउस तक जाने की डिमांड कर रहे हैं और बात यही कह रहे हैं कि हमें अपॉइंट किया गया है, हम इतने वेल क्वालिफाइड लोग हैं लेकिन क्या फ़ायदा हमारी क्वालिफिकेशन का जब हमें 100 रुपये पर डे मिल रहा है? कहने को तो हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें सरकारी मुलाजिमों की गिनती में गिना जाता है, लेकिन हम किस तरह से अपना घर परिवार चलाएंगे और 3,000 में किस तरह घर पालन करेंगे? फिलहाल पुलिस ने यहाँ रोक दिया और यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, लेकिन इनका यही आज कॉल था कि ये अपना प्रोटेस्ट एक साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च जो है राजभवन की ओर निकालेंगे और अपनी जो ग्रीवेंसेज हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहीं पर इनको रोका गया है। अब पुलिस इनके एक डेलीगेशन को छोटे को आगे भेजती है कि नहीं, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू। क्या बचा?